पंजाब के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल जी। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, जिस जो पंजाब के कई लोगों के मन में इस वक्त है और उन्हें तकलीफ दे रहा है। कल एक आदमी आया मेरे पास, मुझे कहता है जी मैं हिंदू हूँ और आज पंजाब में हिंदुओं के मन में, खासकर व्यापारियों के मन में, सुरक्षा को लेके बहुत चिंता चल रही है। पंजाब एक बहुत ही बुरे आतंकवाद के दौर से गुजरा है और इसलिए केवल हिंदू नहीं, सभी लोगों के मन में पंजाब की कानून व्यवस्था को लेके, सुरक्षा को लेके, आंतरिक सुरक्षा को लेके काफ़ी चिंता चलती रहती है कि वापस वो दौर किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। तो उसने मुझे कहा जी पिछले दिनों की जो कुछ घटनाएं हैं उन्होंने हमें चिंतित कर दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पीएम की सिक्योरिटी को लेके एक गंदी राजनीति हुई, उससे बोला कि लोगों के मन में, खासकर हिंदुओं के मन में बड़ी कि ये चल क्या रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे इस किस्म की राजनीति अच्छी नहीं है। अगर ऐसे राजनीति होगी तो फिर सुरक्षा कौन देगा। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर पंजाब के अंदर कई सारी घटनाएं घटी हैं, जगह जगह टिफिन बॉम्ब मिल रहे हैं, जगह जगह बॉर्डर से ड्रोन्स आते हैं, लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बेअदबी की घटनाएं हो गई। मैं आज पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को भी, सिख समाज को भी, क्रिश्चियंस को भी, मुस्लिम्स को भी, सभी जाति के लोगों के, सभी धर्मों के लोगों को, 3 करोड़ पंजाबियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। एक एक व्यक्ति की, एक एक व्यापारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। दिल्ली में हम सरकार चला रहे हैं 7 साल से, केंद्र सरकार से हमारे बहुत सारे मतभेद हैं, होते ही हैं दो सरकारों के बीच में, लेकिन आप लोगों ने देखा कि कभी भी हमने, जब जब देश का मुद्दा आया, जब जब समाज का मुद्दा आया, जब जब लोगों का मुद्दा आया, हमने कभी राजनीति नहीं की उस पर। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कोरोना के वक्त में हमने, केंद्र सरकार ने बहुत बार हमें प्रवोक किया, लेकिन उसके बावजूद हमने केंद्र सरकार के साथ मिलके काम किया और कोरोना को अच्छे से दिल्ली के अंदर हमने मैनेज किया। मैं पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हम कभी भी किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे, कोई राजनीति नहीं होगी। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब सरकार काम करेगी और पंजाब के, बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब के लोगों की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का को सुनिश्चित करेगी। दूसरी बात, बॉर्डर पार से नशा आता है। आज पंजाब में जो इतना नशा है, ये नशा कहाँ से है? ये कोई राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, दिल्ली से नहीं आ रहा, ये नशा सारा बॉर्डर पार से आता है। ड्रोन सारे बॉर्डर पार से आते हैं, टिफिन बॉम्ब सारे उधर से आते हैं। हम लोग जानते हैं कि कैसे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में, तो पता चला कि जो आरडीएक्स बॉम्बे के अंदर आया था उसमें कुछ कस्टम्स के अधिकारियों का भ्रष्टाचार था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको अलाउ किया था। तो ये सब घटनाएं तब घटती है जब उधर के लोग इधर के कुछ लोगों को खरीद के
अपने नापाक मंसूबों पे काय सफल हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बॉर्डर स्टेट के अंदर एक ईमानदार सरकार बननी चाहिए। ईमानदार सरकार होगी तो बिकेगी नहीं, ईमानदार सरकार होगी तो ईमानदार पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी, ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से नशा इस तरफ नहीं आएगा, ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से ड्रोन और टिफिन बॉम्ब इस तरफ नहीं आएंगे, ईमानदार सरकार होगी तो बेअदबी करने वालों को सख्त से सख्त सजा देगी ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। अगर बरगाड़ी की बेअदबी करने वालों की मास्टरमाइंड को आज सज़ा मिल गई होती तो दरबार साहब जी में दोबारा बेअदबी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो इसीलिए मैं सब लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पंजाब के एक एक पंजाबी को सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाना चाहूँगा। एक बेईमान मुख्यमंत्री है, मान लीजिए वो अपने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाता है, उस मीटिंग में वो क्या कहेगा, हाँ भाई तू कितना इकट्ठा करके लाया, हाँ भाई तू कितना इकट्ठा करके, अपने अपने एरिया के पैसे बांध देते हैं ना, ऊपर तक जाता है पैसा एरिया का, और फिर एसपी के लिए थानेदार के लिए सबकी पोस्टें बिकती हैं, ये इतने की, ये इतने की, इतने। अब जो थानेदार जो एसपी पैसे देके पोस्टिंग लेगा, जो थानेदार जो एसपी जिसने महीना इकट्ठा करके अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है, वो तो फिर नशा ही बिकवाएगा, वो तो फिर आतंकवादी फैलाएगा, वो तो फिर जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ी करेगा। दूसरा एक मुख्यमंत्री है जो ईमानदार है, वो अपने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाता है और बोलता है खबरदार अगर तुम्हारे इलाके में नशा बिका तो, और फिर देखो पंजाब पुलिस कैसे नशा रोकती है। यही पंजाब पुलिस आपको पंजाब के अंदर तगड़ी सुरक्षा देके दिखाएगी। ऊपर से क्या सिग्नल आता है ये ज़रूरी है। दिल्ली के अंदर जब हमने सरकार बनाई तो कहा जाता था कि सरकारी टीचर तो काम नहीं करते जी, सरकारी टीचर तो कामचोर होते हैं, सरकारी टीचर तो पेड़ के नीचे बैठ के अपने स्वेटर बुनती रहती हैं। उन्हीं 60,000 सरकारी टीचर्स ने आज दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करके दिखा दी। यही पंजाब पुलिस जब उनको ठीक सिग्नल मिलेगा, जब ईमानदार पुलिस अफसरों को ठीक अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, यही पंजाब पुलिस आपको अच्छी सुरक्षा देके दिखाएगी। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पंजाब के हर व्यक्ति को, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम व्यापारी हर क्षेत्र के व्यक्ति को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। चिंता मत कीजिए, ईमानदार सरकार आएगी, बॉर्डर की भी सुरक्षा करेगी और बॉर्डर पार से कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। आपने कहा कि बॉर्डर पार से आ रहा है कुछ अफसरों की मीटिंग, ये बीएसएफ के अफसर हैं या आप? नहीं, मैं ये नहीं, मोटे मोटे तौर पे जब भी होता है, मैं किसी के दोषारोपण नहीं कर रहा, मोटे मोटे तौर पे जब भी इस किस्म की घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं जब उसकी तहकीकात जड़ में जाया जाता है तो कहीं मिली भगत नजर आती है। ईमानदार सरकार होगी तो सुरक्षा ज्यादा पुख्ता होती है। सर, बेअदबी मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया, सरकारें दावा करती रही है, पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार ने दावा किया था कि हम सजा दिलवाएंगे, पर जब सरकार बन जाती है तो इंसाफ नहीं मिलता लोगों को, क्योंकि जो उनके मास्टरमाइंड है ना वो बहुत बड़े लोग हैं। इस पार्टी वाले ये तीनों एक ही हैं, इनके आपस में शादी ब्याह होते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं इनके। कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए वो दूसरों पे आँच नहीं आने देती, आपस में एक दूसरे की सुरक्षा। पंजाब जाए भाड़ में इनकी वजह से, ये इन लोगों का बस चले तो पंजाब को बेच के खा जाएं। तो ये जब भी इसकी सरकार आएगी तो अगर इन्होंने बेअदबी करी तो इनकी सुरक्षा करेंगे, इनकी सरकार आएगी उसने चोरी करी तो उसकी सुरक्षा। आम आदमी पार्टी की किसी से सेटिंग नहीं है, इसीलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये सारे इकट्ठे होकर ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, इनका जो अच्छा खासा खेल है वो बिगड़ जाएगा। सर, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर केजरीवाल जी आएंगे तो पुलिस रिवाइवल हो जाएगा पंजाब में। उन्होंने पिछली बार का एग्जांपल भी दिया था कि पिछली बार जब इलेक्शन थे उससे पहले केजरीवाल जी गो खालिस्तान जी के घर में रुके। क्या कहना चाहते हैं सर, गृह मंत्री ऐसी बात सीधे सीधे आपसे कहे? ये बड़े दुख की बात है, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ के झूठ बोलते हैं, गृहमंत्री जी उलट सुलट आरोप लगाते हैं, ये शो। इसीलिए मैंने कहा बीजेपी और कांग्रेस आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल की सरकार बनती है तो एचवाईएल का पानी वो दिल्ली में ले जाएंगे,
सुबह से लेके शाम तक वो लोग केवल और केवल बेतुके हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जैसा मैंने कहा कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई है, वो नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, वो नहीं चाहती कि किसी भी हालत में भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ये इनका जो 70 साल का जो लूट है वो लूट सारी बंद हो जाएगी। इस लूट को SYL किसने करा था? हमने तो करा नहीं। एक मिनट सुनो तो सही, मेरे कुछ स्टैंड ले लेने से अगर ये सॉल्व होता हो तो मैं अभी 5 मिनट में आपको स्टैंड करके दे दूंगा और सॉल्व करवा लो। सुनो, यार मेरे को बोलने दोगे तभी तो कुछ बोलूंगा, आप बीच में ही मेरे को रोकोगे तो कैसे बोलूंगा। आप ये किसने करा है, ये SYL बनाना किसने शुरू किया था? अरे यार मेरे को आप मेरे को बोलने देंगे या आप ही अगर बोलना है तो फिर आप लिख लो जो मर्जी लिखना है। अगर आप मेरे को बीच में काटेंगे तो फिर मैं नहीं बोलने वाला, आप बोल लो आपने जो बोलना है। अगर आप मेरे को बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा और मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, चाहे मेरे को 1 घंटा बोलना पड़े, आप बीच में मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपको हो सकता है मेरा जवाब पसंद नहीं आए, लेकिन मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ, और आपकी जिम्मेदारी है जो मैं बोलूँ उसको जनता तक पहुँचाएं, जनता को पसंद आए ना आए वो उनकी मर्जी है। SYL शुरू किसने किया था? इन्हीं लोगों ने किया था। बताते हैं कि जब शुरू हुआ था तो फलाने फलाने लोगों को गुड़गांव में फलानी जगह बदले में ज़मीनें भी मिली थी, तो इन दोनों पार्टी के लोगों ने मिलके इसकी शुरुआत करी थी। और उसके बाद जब ये मामला पॉलिटिकली सेंसिटिव बनता गया, कई सारे ऐसे मौके आए, यहाँ पे कैप्टन साहब की सरकार थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे अकाली भाजपा की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने सॉल्व क्यों नहीं किया? ये आके हरियाणा में कुछ और बोलते हैं, पंजाब के अंदर कुछ और बोलते हैं, केंद्र के अंदर कुछ और बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ और बोलते हैं, ये सॉल्व करना नहीं चाहते। ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर कि केजरीवाल ने ये स्टैंड बोल दिया तो ये समस्या का समाधान हो गया, फलाने ने ये स्टैंड बोल दिया तो ये समस्या का समाधान हो गया। मेरा अपना मानना है कि पंजाब के जो भी अधिकार हैं, पंजाब का जो भी हक है, वो किसी भी हालत में वो हक मरना नहीं चाहिए। उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब का जो भी हक है वो हक मरेगा नहीं। ये इस समस्या का समाधान या तो कोर्ट में और या मिल बैठ के, सब लोगों को मिल बैठ के इसका समाधान लेना पड़ेगा। इसके ऊपर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने से केवल हर चुनाव के पहले SYL पे क्या स्टैंड है जी, SYL पे क्या स्टैंड है जी, ये स्टैंड ले लेने से आप हरियाणा में जाके पूछ लो खट्टर का क्या स्टैंड है, और यहाँ पे पूछ लो बीजेपी का क्या स्टैंड है, आप कांग्रेस से पूछो कि हरियाणा में क्या स्टैंड है और कांग्रेस से पूछो कि पंजाब में क्या स्टैंड है। ये स्टैंड से समस्या का समाधान हुआ है आज तक? हमें समस्या का समाधान करना है कि स्टैंड लेने हैं। केवल और केवल राजनीति हो रही है इस मुद्दे के ऊपर। राजनीति से ना तो हरियाणा का फायदा हो रहा और ना पंजाब का फायदा हो रहा। वो मैंने सुना कल सुखबीर बादल कहते हैं कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है कि पंजाब का पानी सारा दिल्ली ले जाऊंगा मैं। अरे तुम्हारी तरह मैं पंजाब का खजाना लूट के अपने घर और सुखविला नहीं बनाता। केजरीवाल ईमानदार आदमी है। ऐसा कोई हो सकता है कि कोई PIL हो सकती है कि पंजाब का पानी दिल्ली को दे दो जी? कुछ भी बोल देते हैं, दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। अमृतसर की सीट पे हमने, जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले चन्नी साहब के बारे में भी बयान दिया था, हमने सर्वे कराया था, हमने अमृतसर ईस्ट का भी सर्वे कराया और उसमें सिद्धू साहब हार रहे हैं, मजीठा जी हार रहे हैं और मजीठिया जी हार रहे हैं और ये लड़की जीत रही है, और उसका कारण भी बता देता हूँ। हमने इसको भी 2-3 बार सर्वे कराया। लोगों को ये लग रहा है यार लड़की जो है ये अपने में से है। कल को सिद्धू साहब पिछले 5 साल या 10 साल से यहाँ पे है और ना किसी का फ़ोन उठाते, ना किसी से मिलते, किसी को समस्या हो वो उनको अप्रोच नहीं कर सकता। अमृतसर हल्के में एक, ईस्ट हल्के में एक काम नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं हमें अपने में से एक आदमी चाहिए जिसके सुख दुख में रात को 12-1 बजे जरूरत पड़े उसके घर तो चले जाएं, जी बीमार है इलाज करा दो।
ये लड़की इनकी अपनी है, इनकी अपनी बेटी है, अपनी बहू है, तो ये लोग इसको कम से कम पकड़ के इसको अपना काम तो करा लेंगे, वो लोगों को पसंद आ रहा है। उसमें चन्नी साहब से लेकर इवन सुखबीर बादल सबका ये आरोप है कि वो कहते हैं कि हमारे जो बचे कुचे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि झूठन है वो आप में जारी, तो आप में नया क्या है? और जो मेंबर पार्लियामेंट है लुधियाना के रवनीत बिट्टू, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमने भेजा वापस बुला लेंगे, तो इस पर आपका टेक क्या? कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इतने बेतुके बयान है, इस पर आपको टेक क्या चाहिए? मतलब मैं देख रहा था वो रवनीत बिट्टू, वो खुद ही हंस रहा था अपने बयान पे जो बयान दे रहा था। सर एक ही केजरीवाल राज्यवादी बोल रहे हैं कि हम एक खुलासा करेंगे, आपने जो टिकटे दिए वो बेच के दिए टिकटे, स्वागत है जी उनका, खुलासा करें, अगर वो सामने एक सबूत आए तो क्या करेंगे आप? टिकट काट देंगे, वो सीट छोड़ देंगे खाली, सबूत तो दो, सबूत तो दो। मैंने एक ऐसे ही आखिरी मोमेंट पे दिल्ली में एक बार हुआ था, हमने कहा था कि कोई भी अगर गंदा कैंडिडेट होगा, क्रिमिनल बैकग्राउंड का होगा, ये होगा, मतलब झूठे सच्चे केस, तो केस की बात नहीं कर रहा, एक केस में एक आदमी ने साबित कर दिया कि उसने अपनी फलानी फलानी किसी कोई उसने किया था, जो कि साबित हो गया, चुनाव के 48 घंटे पहले हमने उसकी टिकट काट दी थी। दोनों हारेंगे जी, मैंने तो लिख के भी दे दिया, अब कल दो चैन, वो अब बदले में जब वो क्या कहते, जब आप लोगों ने उनसे पूछा जाके वो क्या जवाब देते, वो यही जवाब दे रहे हैं। मैंने कल भी आपको कहा था, देखो जी सुबह से शाम तक आप चन्नी साहब के बयान है केजरीवाल ऐसे करते रहते हैं, वो रात को सो नहीं पा रहे, आजकल आंख बंद करते हैं तो भूत की तरह मैं आता हूँ, फिर वो डर के उठ जाते हैं, वो बहुत दिन से नहीं सोए हैं। मैं भगवान से उनकी स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति दे थोड़ा उनके मन को। आप नशे की बात करते हो सर, आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आप दिल्ली के बारे में बात कर रहे थे, गली गली में नशा बिक रहा है, और गुलाबी ठेके की बात कर रही हो, ठेके खुले हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ पे 430 के करीब ठेके का अलॉटमेंट हुआ है अभी, पंजाब में कितनी दुकानें हैं? सुनो सुनो मैं आपको डेटा तो ले लो यार, अभी दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले एक नई एक्साइज पॉलिसी निकाली है, ये उस एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं बीजेपी वाले खासकर। मैं सारी डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ, इसको अच्छे से छाप देना और इसको अच्छे से चला देना, क्योंकि प्रधानमंत्री अमित शाह इनके पास कुछ नहीं बचा हमारे खिलाफ कहने को, मतलब साफ हो गई है बीजेपी दिल्ली से। दिल्ली में पहले 850 दुकानें थी शराब की, उसकी समस्या ये थी कि कुछ एरिया में ये कॉन्सेंट्रेटेड थी और कुछ एरिया ड्राई थे, वहाँ दुकानें नहीं थी, जिसकी वजह से जहाँ दुकानें नहीं थी वहाँ पे इलीगल दारू बिकती थी, इसको हम बंद करना चाहते थे। टोटल 850 दुकानें थी, आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन हुई, 4 कमी हुई हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाई हमने, लेकिन हमने क्या किया है कि ये जो 850 दुकानें इधर कॉन्सेंट्रेटेड थी उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि कोई ड्राई एरिया ना बचे, ताकि इल्लीगल दारू मिलने बंद हो जाए। अब नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बकवास कर रहे हैं, तो सुनो एक बारी सुन ले यार, सुनने की अरे यार सुन तो लो, मैं आपका पॉइंट नहीं है, उसका पॉइंट तो दूसरा, वो पूरा नहीं हुआ, दूसरों के पॉइंट भी पूरे हो जाने दो यार। तो 850 में से 846 दुकानें खुलनी है, उसमें से अभी केवल 550 ही खुली हैं, बाकी अभी धीरे धीरे खुल रही हैं। ये पूरी कोशिश कर चुके, स्मृति ईरानी आ चुकी दिल्ली में, इनके बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी इस पे बोल चुके, जनता से इनको दिल्ली में समर्थन ही नहीं मिल रहा। एक मिनट सुन तो जाओ यार, सुन तो लो यार मेरे को, तो इनको कोई जनता का समर्थन ही नहीं मिल रहा। इतने बड़े बड़े अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, स्मृति ईरानी जैसे लोग अगर वहाँ पे वर्चुअल रैली करी, कहते हैं महाश विशाल रैली, वर्चुअल रैली, जनता में 4 आदमी इनकी बात नहीं सुन रहे। जनता अगर नाराज होती, मेरे को तो जनता से लेना देना, दिल्ली की जनता अगर नाराज होती मैं उस पे एक्शन लेता, लेकिन जनता खुश है। सर पर नशे आम आदमी पार्टी इज अ डिफरेंट पार्टी, तो नशे के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स कैसे हो सकते हैं? ये भी तो नशे है, इसको अगर हम चाहे लीगलाइज कर रहे हैं बैंड्स को, आपके हिसाब से पंजाब में कैसी रहेगी? आपके हिसाब से प्रोहिबिशन होना चाहिए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ जी, मैं तो एक मिनट, केजरीवाल साहब से नशे की बात हर एक पार्टी कर रही है,
सॉल्यूशन तो आपने कहा कि आप नए सॉल्यूशंस देंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा, एक होता है शराब, एक होता है ड्रग्स। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि प्रोहिबिशन होना चाहिए देश में? सुनो तो सही यार, मैं बात पूरी कर लूँ। इसके ऊपर डिबेट हो सकता है। गुजरात के अंदर प्रोहिबिशन है, बिहार के अंदर प्रोहिबिशन है। आप कहो वहाँ पे होम डिलीवरी होती है दारू की, फ़ोन नंबर है। गुजरात में ले लो दारू, खुलेआम बिक रही है, दारू की नदियाँ बह रही हैं वहाँ पे। तो सारा स्टेट में इलीगल दारू बिक रही है, सारे बिहार में इलीगल दारू बिक रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? जिसने प्रोहिबिशन किया उसके पास जा रहा है। ये सुनो तो, एक मिनट सुन तो लो यार, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। सुनते नहीं हो यार, तो लीगलाइज करना सॉल्यूशन है आपके? मैं सुन तो लो यार। तो जहां तक ड्रग्स का सवाल है, जहां दिल्ली, जब हम पंजाब के अंदर नशे की बात करते हैं, हम ड्रग्स की बात करते हैं, जो इंजेक्शन लगते हैं, जो गोलियां लेते हैं, जो अफीम खाते हैं बच्चे, जो ड्रग्स बिकती है उसकी बात करते हैं। जहां तक लिकर का सवाल है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, इंटरनेशनल टूरिस्ट्स भी आते हैं वहाँ पे। दिल्ली के अंदर प्रोहिबिशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई ऐसी भी बात नहीं है कि जितनी पहले दारू बिकती थी उससे कोई बहुत ज़्यादा दारू बिकने लगी है। उतनी दारू है जितनी पहले बिकती थी, लेकिन जो इलीगल दारू बिकती थी उसको बंद कर दिया हम लोगों ने। इलीगल दारू का सबसे बड़ा खामियाजा यह है कि कल को इलिसिट दारू भी बिक सकती है, नकली दारू भी बिक सकती है, उसमें कितने लोगों का नुकसान होगा। इस जवाब देने लायक है? मतलब मैं कैसे बनूंगा बताओ? मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा। मतलब उनका दिमाग खिसक गया है थोड़ा। आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। मैं आज आप लोगों के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोगों के सर्वे में 60-65 सीट आ रही हैं, इसका मतलब सरकार तो बन रही है आम आदमी पार्टी की। मैं आपका सर्वे मानता हूँ। मैं पंजाब की जनता से कहना चाहता हूँ, भाई सरकार तो बना रहे हो, लेकिन मजबूत सरकार बनाना, भगवंत के हाथ मजबूत करना। 80 से कम सीट नहीं आनी चाहिए। तो 3-4 दिन बचे हैं, 3-4 दिन में अब सारे जने पंजाब में, जितने लोग मेरे को आज सुन रहे हैं, सारे जने अपना अपना फ़ोन उठाओ, सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करो, सारे दोस्तों को फ़ोन करो और बोलो कि झाड़ू पे वोट डालनी है। अपने पिंड में घर घर जाओ और बोलो कि झाड़ू पे वोट डालनी है। और आखिरी दिन, चुनाव वाले दिन, किसी ने घर नहीं बैठना, एक एक वोट पड़ने चाहिए, एक एक वोट जरूरी है। अगर पंजाब का हर आदमी वोट डाल देगा, आम आदमी पार्टी की 80 सीट आ जाएगी।